मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। संगम नगरी में आम आदमी पार्टी ने जिला महासचिव सर्वेश यादव के नेतृत्व में सुभाष चौराहा पर थर गिरजाघर सिविल लाइंस पर बदायूं में 50 वर्षीय महिला के साथ गैंगरेप हत्या की घटना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। हाल ही में बदायूं में महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई है, जिस घटना से पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। वहीं प्रदर्शन के दौरान आप पार्टी ने कहा कि ऐसी जघन्य घटना किसी भी सभ्य समाज पर कलंक है। योगी सरकार के कार्यकाल में दिनों दिन ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। मंदिर में गई 50 वर्षीय महिला का गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई और गैंगरेप के दौरान महिला के साथ जो भयावहता की गई सुनकर किसी का भी रूह कांप जाए। आगे कहा कि योगी सरकार जी का दिल इस घटना से भले ही ना कांपा हो, लेकिन ऐसी घटना से राक्षस का दिल जरूर कांप गया होगा। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद जी सदस्य श्रीमती शिमला श्री ने कहा कि हम महिलाओं का आक्रोश इस निरंकुश सरकार पर प्रति शुरू से रहा है। रेप मर्डर बलात्कार की घटनाएं आम हो चुकी हैं। हत्या की सहित उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं पर बढ़ रही घटनाओं के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल श्रीमती श्रीजी ने कहा कि इससे संबंधित महिम राज्यपाल महोदय को संबोधित जिला प्रशासन के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपकर महिलाओं पर बढ़ती हिंसक घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। अगर राज्य सरकार तुरंत संज्ञान नहीं लिया तो आने वाले दिनों में पुनः व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आज आम आदमी पार्टी इलाहाबाद में बदायूं के अंदर जो मंदिर प्रांगण में 50 वर्षीय वृद्ध महिला के साथ गैंगरेप हुआ और उसकी हत्या कर दी गई और दो दिन तक प्रशासन ने इस बात को छिपाए रखा, दो दिन के बाद वो बात प्रकाश में आ पाई। इस मुद्दे पर हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। एक बच्ची उत्तर प्रदेश के अंदर उसका अपहरण हुआ था, जिसके बाद वहाँ के सीईओ ने कहा कि वो बच्ची इससे पहले यहाँ जाती थी वहाँ जाती थी। हमने प्रशासन के लोगों को इसलिए नहीं रख रखा है या प्रशासन का ये काम नहीं होता है कि वो हमारी रेखी के नाम कहाँ जाते हैं और कहाँ आते हैं। उनका काम है घटनाओं के बाद उसका संज्ञान लेकर उस अपराध को रोकना और आरोपियों को गिरफ्तार करना। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को भी ये बात सूचना प्रेषित की जा रही है कि कम से कम आप लोग संविधान के अंतर्गत काम करिए। सरकारें आती जाती रहती हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है शमशान में दलाली खाने का, कि 6 महीने के अंदर टेंडर भी हुआ और 6 महीने के अंदर उस बिल्डिंग का लिंटर भी गिर गया। तो महिला सुरक्षा के नाम पर, बच्चियों पर बढ़ते दुष्कर्म के नाम पर और भ्रष्टाचार के मामले में ये सरकार संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को पार कर चुकी है। ये मेरा एलिगेशन है सरकार के ऊपर। सत्यम राज संघर्ष प्रदेश प्रवक्ता आप क्यों थे। आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। 50 वर्षीय महिला मंदिर में जा करके, लोग मंदिर में जाते हैं कि हाँ हमें शांति मिलेगी, हमारे यहाँ सुरक्षा है, लेकिन वो महिला 50 वर्षीय महिला जब वहाँ पर गई दर्शन करने तो गैंगरेप हुआ। हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि 50 वर्ष की महिला जब सेफ नहीं है तो हमारी लड़कियाँ कहाँ से सेफ होगी, बच्चियाँ कहाँ से सेफ होंगी, कब तक आप चुप रहेंगे? अब लड़की पढ़ाओ, लड़की बढ़ाओ, कैसे लड़की कोई पढ़े कोई लड़की बढ़े, बताइए आप बताइए। 50 वर्ष की महिलाओं के साथ तीन दिन तक पुलिस प्रशासन वाले ने ये चुप्पी साधी। आज आम आदमी पार्टी सड़क पे आ गई, अगर सुनवाई नहीं होती है तो इसे बढ़ चढ़ करके हम लोग आंदोलन करेंगे और सड़कों पे आएंगे। शिमला श्री आम आदमी पार्टी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।